सूरज का गोला, इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला, हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीजों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई, पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया, जितनी फैली खुशियां उससे किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सपने उसके अगवानी में अपना पट खोला, और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसके अगवानी में अपना पट खोला। बच्चों, सूरज निकलने के साथ साथ क्या क्या होता है यह तो तुम सबने ही अनुभव किया होगा। रात के अंधकार के बाद सूरज एक नई रोशनी, नया संदेश, नया जोश लेकर आता है और पशु पक्षी, मानव सभी उसका स्वागत खुश होकर करते हैं। इस कविता द्वारा कवि बताते हैं कि सूरज अपने आने से पहले ही वनस्पति जगत और प्राणी जगत को अपने आने की सूचना दे देता है कि अब उठने का समय होने वाला है, और सूर्य की पहली किरण के साथ ही मानो आसमान से धरती तक उजाला छा जाता है, सब में नई चेतना आ जाती है और अपने अपने तरीके से फल फूल, पशु पक्षी, मानव सभी इस सुहावनी सुबह का स्वागत करते हैं। कवि ने बड़ी सुंदरता से प्रकृति के नियम और परिवर्तन को दर्शाया है।